फोन बज रहा है आई थिंक मेरा, एक मिनट। बंद नहीं ये ट्राई तो गाइस यही फ़ोन लगा रहा था, मुझे लगा था किसी का फ़ोन आ रहा है। तो रिंगिंग तो मेरे फ़ोन में ही आ रही थी लेकिन यही लगा रहे थे, मुझे लगा किसी और का आ रहा है। तो यही बुला रहे थे मेरे को और इनको हैंड वॉश कराना। चलो गाइस मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय बनने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, बॉयल होती रहेगी, इस पे नहीं रख सकती क्योंकि इस पे रखा है दूध बॉयल होने के लिए। यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। और मैं गई थी अपना सूट उठाने के लिए क्योंकि मेरा वहाँ पे जो है ना सूट डला हुआ था आंटी के पास, तो बस अभी लेकर आ गई हूँ क्योंकि सामने ही मैंने ठीक करवाया उसको, थोड़ा सा कुछ काम था उसमें। तो जो है तो उस सूट में थोड़ा सा जो है कुछ काम था इसलिए मैंने छोड़ रखा था वहाँ पे, अभी ठीक करा कर मैं लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी चाय पियेंगे, चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय वाय पीने के बाद में अब बना लेते हैं खाना। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ सूखे आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि बहुत टाइम से नहीं खाई थी, लग रहा था कि चलो आज यही बनाएँगे। अच्छा उसको गर्माई मिल रही होगी ना उसमें इसलिए। तो गाइस आज हम बना रहे हैं सूखे मटर आलू। वैसे आलू की कतलियाँ का सोच रहे थे लेकिन फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मटर भी ऐड कर दी। पकने देते हैं क्योंकि सूखे वाले नहीं खाए थे बहुत दिन से। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारी डोली बना सो रही है, ये देखो कितने आराम से यहाँ पे सो रही है। यहाँ पे चल रहा है हीटर, आराम से सोने में लगी है। तो गाइज़ आज है जुम्मा और आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और गाइज़ आज मैंने ना ये वाला सूट बहुत टाइम के बाद पहना है और ये मैंने नया पहना है। ये ना बहुत टाइम से रखा हुआ था, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये सूट मैंने जो है ना तब लिया था जब हमारी हिबा हमारे घर पहली बार आई थी, मतलब तब लिया था जब मम्मी लवली बाजी के लिए ले रही थी उस टाइम पे। तो मुझे भी ये वाला सूट जो है पसंद आया था, तो उस टाइम पे फिर मैंने भी ले लिया था क्योंकि सेम हम दोनों बहनों ने लिया था, लवली बाजी के लिए भी और मैंने अपने लिए भी। तो बस उन्होंने तो पहन लिया है जब वो हमारे घर पहली बार आई थी हिवा को लेकर, 1.25 महीने के बाद जब आते ना मायके में तब उन्होंने पहन लिया था, लेकिन मैंने नहीं पहन पाया था तो मैंने रख दिया था। तो बस अभी जाकर मैंने इसको निकाला है, सोचा कि चलो अब पहन लेते हैं। तो हुरैन को अभी ऊपर छोड़ कर के आई हूँ, उसको नहीं लेकर के आई हूँ, मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़ा सा आराम करूँगी। शाम के 4:30 बज रहे हैं, ऊपर ही बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे, अभी धूप जा चुकी है। तो हुरैन तो झूल रही है झूला ऊपर, तो मम्मी उसको जला रही है, मैं आ गई नीचे कपड़े वगैरह लेकर के। यहाँ पे ये देखो ये कपड़े डले हुए हैं ये। तो नमाज़ पढ़ के खाना खा के तुरंत जो है मैं ऊपर चली गई थी और बस अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर से होती है मगरिब, मगरिब के बाद हाल ऐसा तो फिर खाना वाना देखना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है। तो अभी तो वो भी खेल रही है फ़िलहाल मम्मी के साथ, तब तक मैं आराम करती हूँ। हाँ गाइज़ हमारी आई है आज दावत, प्रोग्राम है उनके घर तो दावत आई है। मैं लगती हूँ खाला, मतलब मेरे भांजे के बेटा पैदा हुआ है तो जो है आज उनके घर छठी है, तो दावत करने के लिए आए हुए थे। तो वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अब जो है मेरी दावत अलग से आने लग गई है। हालांकि मैं मम्मी के यहाँ रह रही हूँ तो ऐसा नहीं कि देखो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं, तो जहाँ से भी मेरी दावत आती है ना वही एक्सेप्ट करती हूँ मैं, वरना जो मम्मी के लिए दावत आती है उनके साथ में मैं नहीं जाती हूँ। ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो बिन बुलाए हम कहीं नहीं जाते हैं। मेन बात ये है, देखेंगे सोचेंगे क्या होता है, शाम का प्रोग्राम है, जाएंगे नहीं जाएंगे जो भी होगा सब कुछ पता चल ही जाएगा। मेरे भांजे के बेटा पैदा हुआ है तो मैं क्या लगी उसकी नानी लगी ना, ओ माय गॉड मैं नानी बन गई। हाँ मैं पहली बार नानी बनी हूँ आई थिंक, मुझे लगता है हाँ मैं नानी बन गई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मैं नानी बन गई हूँ। चलिए थोड़ी देर में मिलती है आप लोगों से। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ खमन ढोकला। जी हाँ मेरा मैं लेटी ही थी वैसे ही ये आ गए लौट के, और इनकी फरमाइश कि मुझे ढोकला खाना है। वैसे तो इनका ये था कि मुझे क्रीमी ढोकला खाना है, तो उसके लिए मुझे पनीर चाहिए था, पनीर घर में था नहीं तो उसके लिए जाना पड़ता बाहर। तो बाहर ना जाने के चक्कर में उससे बचने के लिए ये इन्होंने बोल दिया कि सिंपल ढोकला बना दो बस, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी मैं ढोकला बना रही हूँ। यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और आज मैं सूट में अच्छी लग रही हूँ शायद, है ना, मतलब बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा पहना है, ऐसा लग रहा है जैसे नई दुल्हन नहीं होती है ऐसे कलरफुल कपड़े पहनती है वो, तो ऐसा ही कुछ मुझे फील हो रहा है कि ना मैंने ऐसे कुछ डार्क डार्क कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं न्यूली ब्राइड हूँ। हालांकि मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, ये 5वीं साल चल रही है, तो मैं न्यूली ब्राइड तो नहीं हूँ लेकिन फील हो रहा है बस अंदर से अच्छा अच्छा फील हो रहा है। जब आप थोड़े से रेडी हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है। चलिए ढोकला बनाते हैं। यहाँ पे सारे बर्तन भी ले लिए हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ढोकला कैसे बनाती हूँ, मतलब ये खमन ढोकला का पैकेट है ना, सो इसी से ही मैं बना देती हूँ क्योंकि ये इंस्टेंटली बन जाता है बहुत जल्दी, बस इसमें हमें सिर्फ तड़का लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी और कुछ भी नहीं। चलो बनाते हैं। तो जी यहाँ पर एक छोटी सी भगोनी मैंने ले ली है और इसमें लिया मैंने खमन ढोकले का पाउडर, और इसको मैंने पानी के साथ में घोल लिया है, और बस आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है हमें। तो बस उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। और एक हमने बर्तन ले लिया जिसमें हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया उस बर्तन को, और उसके बाद ये बैटर को डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना डैप डैप करेंगे ताकि इसकी जो भी एयर होगी ना वो निकल जाएगी, और हमारा जो ढोकला है वो बहुत अच्छे से रेडी होगा। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया, पानी के बाद मैंने एक स्टैंड रख दिया, स्टैंड के बाद हम इसको बर्तन को रख देंगे इसके अंदर और एक प्लेट से ढक देंगे ताकि हमारा ढोकला अच्छे से रेडी हो जाएगा और स्पॉन्जी रेडी होगा। और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम, तो बस मीडियम करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में चेक भी कर लेंगे 1-2 बार। जो है ढोकला बनने के लिए रख दिया है, 1 बार तो रख दिया है, अभी दूसरी बार भी बनाऊंगी, फिर इकट्ठा ही जो है सारा तड़का रेडी करूंगी, ठीक है ना। अभी इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे और बीच में चेक भी कर लेंगे अब 1-2 बार टूथपिक से, तो पता चल जाएगा अच्छे से बन गया है या नहीं, ठीक है ना। चलो तो ये बन गया हमारा सिरप, जी हाँ ढोकले में डालने के लिए ये है तैयार। अब हम इसको डालते हैं। ऐसे ही करके मैं सारा इसमें डाल दूंगी, और एक और ढोकला हमारा रेडी हो चुका है बनके। तो गाइस अभी हो गया है नेक्स्ट डे। अभी आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, और कल ढोकला खाने के बाद से जो वीडियो हमने शूट ही नहीं कर पाया, मन ही नहीं किया कैमरा उठाने का, सच्ची बताऊँ, क्योंकि लाइट भी नहीं थी, तो लाइट की वजह से जो है ना मतलब किसी भी काम में मन नहीं लगता जब लाइट नहीं होती है। हालांकि इन्वर्टर है लेकिन फिर भी मतलब यही रहता है ना कि लाइट का एक कुछ अलग ही होता है, तो इसलिए जो है ना कल लाइट नहीं थी तो फिर हम लोग जो है प्रोग्राम में भी नहीं जा पाए। लगा दो इसको, तो प्रोग्राम में भी नहीं जा पाए, की लाइट नहीं होती है ना, तो फिर ना फिर रेडी वगैरह कैसे होते, तो फिर चलो यार कपड़ों पर भी प्रेस करनी थी, तो बहुत सारे काम थे घर, तो फिर ना हमने मना ही कर दिया। मेरी वजह से जो है मम्मी भी नहीं गई कि मम्मी ने बोला अब तू नहीं जा रही, तो फिर मैं भी नहीं देती हूँ। फिर कभी मिलाएंगे हम अपने नाती से, है ना, बेबी को देखने जाएंगे, छोटू से बेबी को। अभी कुछ टाइम क्या, कितने महीने हुए होंगे उनकी शादी को, अभी 10-11 महीने तो, मतलब 1 साल तो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है शायद उनकी शादी को। वो पुराने ब्लॉग्स देखकर ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मेरी याददाश्त इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है ना, मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। डेट वेट का मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो कुछ महीनों पहले ही, मतलब 1 साल नहीं हुआ है, हाँ 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी जो है हम बन चुके हैं नानी। धूप इतनी तेज़ निकली है ना, जो कि मुझे छाँव में बैठना पड़ रहा है। यहाँ मैं पलंग पर बैठी हुई हूँ इधर साइड, और ये देखो, ये देख रहे हो ना आप लोग मिट्टी की, ये इसके साथ में एक जोड़ा आया हुआ था, तो हुरैन ने जो उसको फोड़ दिया है। अब यही बचा है इसकी नाक, पर्स वर्स, इसके बाल सब फूट फाट गए हैं, अभी सिर्फ यही बची है इसकी बॉडी बची है। और ये हमारी बेली की दवाइयाँ रखी हुई हैं, जो कि हफ्ते में पिलानी पड़ती है ना बेली को, तो वो ज़्यादातर अभी क्या सर्दियों में ऊपर ही रह रही है, तो ऊपर ही हम लोग पिला देते हैं, तो उसका जो है मुहादा अच्छे से धुला देते हैं, क्योंकि दवाई पीने की वजह से जो है ना उसका फिर हाथ पैर गंदे कर लेती है वो अपने पहुँचने के चक्कर में, इसलिए हम डायरेक्ट उसको धुला देते हैं। तो ऐसा है, इसलिए दवाइयाँ हमने यहाँ पर रख रखी हैं। बाकी क्या क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, हुरैन से बोल रही हूँ, हुरैन नहाना है तो बोल रही ना, हुरैन नहाई नहीं करनी है, नाई करनी है, बताओ तो नाई करनी है, चलो नाई करा दे, चलो नाई करा दे। इसका भी आज नहाने का मन नहीं है, चलो खैर कोई नहीं, आज छोड़ते हैं, कल तो नहलाया ही था मैंने इसको, तो हाथ पे धुलाकर कपड़े वपड़े चेंज करा दूंगी इसके। तो चलिए फिर ना इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।